स्कूल का होमवर्क। बहुत समय पहले किसी शहर में शुभम अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। शुभम को खेलना और घूमना बहुत अच्छा लगता था। इन सब में वो हमेशा स्कूल के होमवर्क को टाल देता था और जिस दिन स्कूल में टीचर होमवर्क चेक करती थी उस दिन वो कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी कर लेता था। मम्मी, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा, मैं आज स्कूल नहीं जा सकता। ठीक है शुभम, आज तुम घर पर ही आराम करो। फिर एक दिन अचानक टीचर ने क्लास के सभी बच्चों से कहा, बच्चों कल मैं आप सबकी नोटबुक्स चेक करूंगी, इसलिए कल सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स लेकर आएंगे। शुभम का दोस्त अंकित ये जानता था कि शुभम की कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। उसने शुभम से कहा, शुभम अब तुम क्या करोगे, तुम्हारी तो किसी भी सब्जेक्ट की नोटबुक कंप्लीट नहीं है। मुझे पता है और इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। और फिर हमेशा की तरह शुभम अगले दिन पीठ दर्द का नाटक करने लगा। मम्मी, मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है शुभम, आज तुम घर पर ही आराम करो। इस तरह शुभम की स्कूल से छुट्टी हो गई। स्कूल में टीचर एक कर कर सभी बच्चों की नोटबुक्स चेक कर रही थी, तभी टीचर ने देखा कि स्कूल की छुट्टी का समय हो गया है। ये देखकर उन्होंने सभी बच्चों से कहा कि बच्चों अभी स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है, इसलिए जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक्स मैं कल चेक करूंगी। उसी शाम जब पार्क में खेलते हुए शुभम अंकित से मिला तो अंकित ने उसे सारी बात बताई। टीचर ने कहा है कि जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक मैम कल चेक करेंगी। अच्छा, तो फिर मैं कल भी नहीं आऊँगा। अगले दिन बच्चों की नोटबुक्स चेक करते करते स्कूल की छुट्टी हो गई। फिर एक बार टीचर ने बच्चों से कहा कि जो बच्चे आज भी रह गए हैं उनकी नोटबुक्स कल चेक होगी। इस बार भी अंकित ने शुभम को ये बता दिया, आज भी छुट्टी का समय हो गया है, इसलिए टीचर ने बाकी बच्चों की नोटबुक्स कल चेक करेंगी। अच्छा, मतलब मुझे कल भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। ऐसे ही 3 दिन और बीत गए। टीचर 3 दिन तक नोटबुक चेक करती रही और शुभम कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी करता रहा। 6th दिन जब शुभम ने बहाना लगाने की कोशिश की तो मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में उससे कहा, मैं तुम्हें 6 दिन से देख रही हूँ, तुम तबीयत का बहाना बनाते हो और छुट्टी हो जाने पर सारा दिन दोस्तों के साथ खेलते हो, इसलिए आज तो तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। लेकिन मम्मी, तुम चुपचाप स्कूल जाते हो या मैं तुम्हारे पापा को बुलाऊं? इसलिए वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। शुभम तैयार होकर स्कूल पहुंचा। क्लास में जैसे ही टीचर की नज़र उस पर पड़ी, टीचर ने उससे कहा, शुभम तो आज तुम स्कूल आ ही गए, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, अब जल्दी से अपनी सभी नोटबुक्स, आज मैं तुम्हारी नोटबुक्स चेक करूंगी। ये सुनकर शुभम बहुत डर गया। वो डरते डरते खड़ा हुआ और बोला, टीचर आज मैं नोटबुक्स लाना भूल गया। क्यों, तुम्हें पता था ना कि मैं सबकी नोटबुक्स चेक कर रही हूँ, फिर तुम नोटबुक्स लाना कैसे भूल गए? सॉरी टीचर, तुम कल नोटबुक्स लेकर जरूर आना और भूल कर भी कल स्कूल की छुट्टी मत करना। अपने टीचर की डांट सुनकर शुभम समझ गया था कि अब कुछ भी करके उसे अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसने अपने दोस्त अंकित से कहा कि अंकित, क्या तुम मुझे अपने तीनों सब्जेक्ट की नोटबुक दे सकते हो? मुझे लगता है अब मैं इस काम को और आगे नहीं टाल सकता, इसलिए अब मुझे यह काम करना ही पड़ेगा। शुभम, कल सुबह तक तीनों नोटबुक्स कैसे कंप्लीट करोगे? पता नहीं, लेकिन अब होमवर्क करना पड़ेगा। अंकित ने शुभम को अपनी नोटबुक्स दे दी। शुभम अपने घर पहुंचा, वह सीधा अपने कमरे में गया और काम करने बैठ गया। वो सारा दिन और सारी रात लगा कर काम करता रहा। सुबह होते होते उसने अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर ली। काम पूरा होने पर उसने चैन की सांस ली। आखिरकार तीनों नोटबुक्स का काम कंप्लीट हो ही गया, अब मैं बिना किसी डर के स्कूल जा सकता हूँ। अगले दिन वो तीनों नोटबुक्स लेकर स्कूल पहुँचा। क्लास शुरू होते ही, शुभम अपनी नोटबुक लेकर मेरे पास आओ। शुभम तीनों नोटबुक्स लेकर टीचर के पास गया। सारी रात जागने की वजह से उसकी आंखें बहुत थकी हुई थी। टीचर ने शुभम का थका हुआ चेहरा देखा तो वो समझ गई कि उसने ये नोट को सारी रात जाग कर कंप्लीट किया। उन्होंने शुभम को समझाते हुए कहा,
मैं जानती थी कि तुम्हारी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है। इन नोटबुक्स को तुमने सारी रात जागकर कंप्लीट किया है, इसलिए थकान के कारण तुम्हारी आंखें इतनी लाल हो गई है। शुभम, इसलिए कहते हैं कि हमें अपना सारा काम साथ साथ करना चाहिए, ताकि बाद में हम सारा काम एक साथ करने की मुसीबत से बच सकें। ये बात तुम हमेशा याद रखना कि टालने से कभी भी कोई काम खत्म नहीं होता, बल्कि वह और बढ़ जाता है। शुभम टीचर की बात समझ गया। उसने कहा, सॉरी टीचर, अब से मैं सारा काम साथ साथ ही करूँगा और कभी किसी काम को कल के लिए नहीं डालूंगा। इस तरह शुभम के हर काम को टालने की आदत छूट गई और वह हर काम समय पर करने लगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।